मोदी जी के नेतृत्व, अमर सिंह जी को माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी सर, 272 का आंकड़ा, 272 का आंकड़ा एनडीए ने इस वक्त छू लिया है, यानी कि सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो एनडीए ने छू लिया है। सरकार बनती हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रुझानों में एनडीए को बहुमत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आज तक आपको पहुंचा रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत 274, यानी कि दो और ज्यादा बढ़ते हुए 272 हो गया, 275 हो गया है आंकड़ा, एनडीए -4, लेकिन 275 जादुई जो आंकड़ा 272 का चाहिए उससे कहीं ज्यादा, 277, और ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 542 में से 443 के, 434 की माफ कीजिएगा, रुझान सामने आए हैं, 272 एनडीए, यानी कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए के इन आंकड़ों के जरिए रुझानों में बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को बहुमत, नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, डांस करते हुए इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अमर सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप भी इससे खुश बहुत होंगे, एनडीए को पूर्ण बहुमत रुझानों में। अमर सिंह जी, देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से उलट पलट की रोटी चल रही थी, सपा और बसपा, कभी सपा जीतती थी कभी बसपा जीतती थी। इस यह पूरी की पूरी जाति व्यवस्था पर आधारित राजनीति थी, जाति पाति और बिरादरी के आधार पर जो राजनीति हो रही थी उस राजनीति का खात्मा हो गया है। विशेष रूप से नई पीढ़ी, इसने इस जाति पाति के बंधन को तोड़ दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। इस रुझान से स्पष्ट होता है कि अब मुसलमान यादव और ये जो माई कम्बिनेशन है जो बिहार में भी बहुत हद तक चलता था और जो उत्तर प्रदेश में भी बहुत चलता था और आजमगढ़ से भी, अब ये सामान्य रुझान है, आजमगढ़ हमारा गिरि जनपद है, वहाँ पर भी अखिलेश यादव हार सकते हैं और अगर जीतेंगे तो जीतने की मार्जिन बड़ी कम होगी। एक और महत्वपूर्ण बात दर्शकों को जल्दी से बता दें, 281 के रुझान इस वक्त एनडीए के पक्ष में है, 282 बीजेपी ने 2014 में जीत हासिल की थी, और ये देखिए एनडीए 281 के आंकड़े को टच कर चुका है, 444 के रुझान 542 में से सामने आ चुके हैं, और अब 283, यानी कि बीजेपी ने 282 का जो आंकड़ा 2014 में छुआ था, एनडीए अभी एक उससे ज्यादा। अब सवाल यह है कि क्या 336 जैसा कि 2014 में प्रदर्शन था एनडीए का या उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि कई एग्जिट पोल ने 350 प्लस के आंकड़े दिए हैं। नरेंद्र मोदी का क्या ये अंडरकरंट था जिसने इस तरह की तस्वीर बड़ी पैदा की है? 445 के आंकड़े सामने आए हैं 542 में से, जिनमें 283 पर एनडीए आगे चलते हुए। अमर सिंह जी, महत्वपूर्ण ये भी आजमगढ़ का आपने जिक्र किया, रामपुर की सीट लेकिन इस बार फंसी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए। अमर सिंह जी, रामपुर की सीट में जो अभी अभी मुझे जानकारी मिली है, रामपुर शहर का की गणना शुरू हुई है। रामपुर शहर मुस्लिम बोल क्षेत्र है और दूसरे जो सेगमेंट हैं जहाँ पर परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, तो उसकी शुरुआत होने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि रामपुर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी।